बहुत टाइम के बाद खाए अच्छे लगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में बहुत याद रखना, ज़बरदस्त। चलो, यहाँ पे आने की टाइमिंग क्या होती है आपकी? हमारे ये 7:45 में था सुबह के। पौने तकरीबन 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। और ये इस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम कामन गली। कामन गली सलाफा बाजार। ये अभी कहाँ बैठोगे? लोग अलग जाती है। हाँ, तो उस पर जितने हाँ नहीं है ना तो प्रॉब्लम हो रही है। ये रहा, एक मुबारक थे और एक बिलाल साहब थे, तो उसको भी काफ़ी टाइम हो गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यार। हम लोग आज सराफा बाज़ार के अंदर खड़े हुए। यहाँ पे बहुत पहले आते थे हम लोग चने खाने के लिए, तो उस चने वाले को भी ढूंढ रहे हैं, और दूसरा एक भजिए वाला है उसको भी ढूंढा जा रहा है। कहाँ पे भजिए वाला, थोड़ा टाइम लग रहा है उसको ढूँढने में। ये सराफा बाज़ार का अंदर का गली। यहाँ पर भजिए वाला कहाँ है? भजिया भजिया नहीं होता कोने पे? सुबह यहाँ पे लोग नहीं है ना तो प्रॉब्लम हो रही है। ये रहा भजिया वाला, मिल गया यार। भजिया तो लगाओ थोड़े से। भजिया के अंदर क्या क्या डलता है? दाल, प्याज और नमक बस, और मिर्ची, हरी मिर्चियाँ डाली जो आपने। दाल साबुत होती है? मूंग चने की दाल। अच्छा अच्छा कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल हो गए। अच्छा भाई, यहाँ पे भज्जी हो जाए फिर वो हम लोग चने वाले की तरफ रुख करते हैं। तो ये चने की दाल भिगो के रखते हो आप लोग? अच्छा अच्छा रात भर 6-7 घंटे भिगोते हैं बस, नरम हो जाती है। अच्छा मशीन में पीस देते हो, उसमें ही नमक वगैरह सब डालते हो? अच्छा नमक सब अलग करके। सही सही सही। और ये मिर्चियाँ काट के डालते हो ऊपर से बस, हरी मिर्चियाँ। अच्छा, इस सराफा बाजार में मस्जिद उस्मान गनी एक ही है? यही है। ठीक है ठीक है भाई, इसका एड्रेस यही है। और चने वाले, चने बाबा जो आपके चने वाले, उनका भी एड्रेस यही है ना? उसका भी एड्रेस यही है। और सुबह कितने बजे लगा देते हो? 7:30-8:30। सही सही। ये तरीका है, ये सीख है, इससे ये निकाल दे भज्जी। ये रहे, वो चटनी भी पड़ी हुई नीचे। हमने यहाँ से भजिया ले लिए हैं। और यार ये उस्मान गनी मस्जिद है, मस्जिद उस्मान गनी, वहाँ पे ये दोनों तरफ में भजिए वाला भी, इसके बैक साइड पे है। और आप भजिए वाले से पूछ लोगे ना तो ये चने वाला भी रुक हो गया भाई इस तरफ। यार वो चने वाला किधर है? चने वाला उस तरफ है, फिर हो गया। यार ये इतनी गलियाँ इतनी पतली पतली है ना, इस सराफा बाज़ार के अंदर है ओल्ड सिटी एरिया सराफा बाज़ार। बैक साइड पे खारदर भी निकलता है इसके चने वाले की तरफ। बार बार पूछना पड़ता है यार रास्ता हर किसी से यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। चाचा कैसी तबीयत है? ठीक, तबीयत ठीक है? ठीक है चाचा, चने तो खिलाओ। हाँ खाएंगे, इधर खाएंगे भाई। ये तकरीबन मैं आ रहा हूँ 2 या 3 साल के बाद तो आ रहा हूँ। और ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, इसके बैक साइड पे जो है वो भजिए वाले हैं। और वो पहले भजिए वाले थे चाचा, वो कहाँ गए? अच्छा भाग गए वो। ये माशाल्लाह, ये भाई ये इनका रायता, सीधा दिख नहीं रहा होगा, रोशनी ज़्यादा हो रही है शायद, पता नहीं। वाइट वाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये रायता है, हाँ ये अब दिख रहा होगा आपको। ये रायता आ गया और ये चटनी आ गई और ये आ गए। ओए ओए चने भाई, माशाल्लाह।
ये चने आ गए गली के कौन से रोटी ये जो पाका के लिए ये रोटी है कर्क रोटी इसको बोला जाता है रोल बोल टिक्का बिक्का बनाए ना हुआ ये हलियो ना जो बजे ठेके ले लीजिए बेगरी बेगरी खुली वो भी ला रही जब ये बचिया बड़ा भी दुकान है गलती करी नहीं यार खबर नहीं कितनी बजी बची हाँ मुफल जो हो मार्ट बनी है ना जो जबरदस्त भाई माशाल्लाह से यहाँ पे आप खाओ आके चने वीआईपी है ये बच्ची है ये भी वीआईपी है आपको याद होता होगा हम लोग आते थे पहले चार पांच लड़के होते थे ये अभी कहाँ बैठे होगे लोग अलग जाती है हाँ तो उस पर जितने मारे करोगे हाँ कि आप कितना टाइम से यहाँ पे लगा रहे हो तकरीबन 20-22 साल हो गए और ये इस जगह का नाम क्या है कामन गली सलाफा बाजार चाचा यहाँ पे आने की टाइमिंग क्या होती है आपकी हमारी सुबह के 7:45 नमाज खत्म हो आप पहुँच जाते हो माशाल्लाह अभी 6:30 बजे भी आ जाते हो अभी 6:30 बजे भी रक्षा वक्षा थोड़ा लेट मिलता है चलो चाचा अल्लाह हाफिज दुआ में बहुत है मस्जिद उस्मान गनी तो ये आप मस्जिद देख लो सराफा बाजार कामन गली कहलाती है और यार माशाल्लाह से पैर तो ज़बरदस्त बोलेंगे और चने इनके बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त होते हैं अच्छा वो भजिए वाला यहाँ का ही बैठता था पहले ठीक है अभी यहाँ पे भजिए वाला नहीं है भजिए वाला जो है ये जैसे कि ये चने वाले यहाँ पे ना यहीं से आ रहा हूँ मैं भी ये जो अपने इधर खड़े हुए चने वाले और इस गली से भजिए वाले 10-20 रुपये के कितने 3 या 4 बजिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं भजिए इनके और चने तो भाई पूछो ही नहीं हम लोग कुछ दोस्त हैं जब RCD जिम में थे तो आते थे एक अली भाई थे एक मुबारक थे और एक बिलाल साहब थे तो उसको भी काफ़ी टाइम हो गया बहुत टाइम के बाद खाए अच्छे लगे तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में बहुत याद रखना ज़बरदस्त अच्छा हम लोग भजिए खा के आ गए हैं मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये संडे को छुट्टी करता है तो संडे ऑफ होता है बाकी सारे दिन ऑन होते हैं।